गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक सिंकिंग फंड, ठीक है, सिंकिंग फंड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड दैट इज वेरी बिगनिंग टू रिडेम्पशन ऑफ सिंकिंग फंड तक रहेगा। हम लोग फर्स्ट ईयर सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, लास्ट ईयर में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करके डिबेंचर का रिडेम्पशन कर देंगे। इसलिए वेरी बिगनिंग टू एंड सिंकिंग फंड का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, 1 जनवरी 2005 एस कंपनी लिमिटेड इशू किया है 1006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच जो रिपेबल एट पार होगा। इसका मतलब 1,00,000 रुपया का डिवेंचर इशू किया है तो एंड ऑफ 4 ईयर्स 4 साल बाद हम उसको 1,00,000 रुपया ही वापस कर देंगे, इसीलिए बोलता है इसको रिपेबल एट पार। इट वॉज डिसाइडेड टू क्रिएट, ऐसा डिसाइड किया गया है कि एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाए फॉर रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर एंड इन्वेस्ट द अमाउंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो कंपनी का ये डिसीजन है कि हम लोग को सिंकिंग फंड क्रिएट करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर, और जो सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा। इसका मतलब सिंकिंग फंड क्रिएट करना है और लास्ट में उसको रिडेम्पशन के लिए यूज करना है। यहाँ बोला है लेजर अकाउंट बना के दिखाइए 4 साल का, तो फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक का सवाल बनाना है और इन्वेस्टमेंट जो है लास्ट में फोर्थ ईयर में 70,000 में बेच देंगे और डिवेंचर को पे ऑफ कर देंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए बता दिया 1 रुपया 6% के हिसाब से कंपाउंडेड वैल्यू होगा 0.22851, मतलब 0.22851 4 साल में कंपाउंड होके 1,00,000 रुपया हो जाएगा। इससे हमको एनुअल इंस्टॉलमेंट दैट इज एनुअल कंट्रीब्यूशन निकालने में हेल्प मिलेगा। तो ये सिंकिंग फंड का सम है वेरी बिगनिंग टू एंड। सबसे पहले हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे, प्रत्येक साल सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर फोर्थ ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा रियलाइज कर लेंगे और डिवेंचर रिडीम कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा, ओके। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, नेसेसरी लेजर में एक अकाउंट बनता है डिवेंचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाएंगे सिंकिंग फंड अकाउंट, इसके अलावा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके, और लास्ट में रिडेम्पशन के लिए जरूरत होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। ये 4 अकाउंट बनाएंगे, हाफ हाफ पेज का अकाउंट रखें, 4 ईयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 जनवरी 2005 को हम लोग डिवेंचर इशू किए, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो हम लोग का 1105 बाय बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपया का डिवेंचर इशू हुआ। ईयर एंडिंग में अब हम लोग को एनुअल कंट्रीब्यूशन सोचना होगा, फिर उसको इन्वेस्ट करने का। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन का वर्किंग कर देते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट और कंट्रीब्यूशन, 1,00,000 रुपया का डिबेंचर 4 साल बाद रिडीम्ड हो जाएगा और उसका कम्यूटेड वैल्यू है 0.22 0.22851 इक्वल टू हो जाएगा 22859, मतलब ईच एंड एवरी ईयर हमको 22859 का कंट्रीब्यूशन करना होगा। अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एंट्री होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू सिंकिंग फंड, ये काम ईयर एंड में किया जाता है, पीएल अकाउंट से ट्रांसफर होता है बाई
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 22859। तो सिंकिंग फंड में ले आए बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब ये पैसा हमको इन्वेस्ट कर देना है मार्केट में 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बोला था इन्वेस्ट करने को। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 31 दिसंबर इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पैसा एनुअल कंट्रीब्यूशन था 22859। तो फर्स्ट ईयर में इतना ही एंट्री होता है। डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर अकाउंट में बाय बैंक। एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा पीएल टू सिंकिंग फंड तो सिंकिंग फंड में बाय पीएल। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब इसको एक बार सीडीबीडी करते हैं, वन ईयर कंप्लीट करते हैं। 22859 31st दिसंबर बाई बैलेंस सीडी 22859 फर्स्ट जनवरी 06 टू बैलेंस बीडी 22859। और अभी अकाउंट है, ये रहा डिवेंचर अकाउंट, इसको भी बैलेंस करते हैं 1,00,000। इधर लाए 1,00,000 31st दिसंबर 05 टू बैलेंस बीडी 1,00,000 1106 बाई बैलेंस बीडी 1,00,000। अच्छा, सिंकिंग फंड को भी बैलेंस कर देंगे। सिंकिंग फंड में बाई पीएल का एंट्री है 22859 बैलेंस भी 22859 31st दिसंबर टू बैलेंस सीडी 11 बाई बैलेंस बीडी। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर हमको इंटरेस्ट मिलेगा जो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। वो इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 31st दिसंबर 06 बाई इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट है 22859 परसेंटेज है 6। और उसी डेट को करेंट ईयर का कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंट ईयर का कंट्रीब्यूशन 22859। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किए थे 22859 उसका 6% इंटरेस्ट 1372 एनुअल कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन फिक्स है, ईच एंड एवरी ईयर करना है। अब ये दोनों मिला के करेंट ईयर सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे 31st दिसंबर 06 टू बैंक अकाउंट। जो इंटरेस्ट है 1372, जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है सेकेंड ईयर का, दोनों मिला लेंगे 1372 22859 ये हो जाएगा 24231। सिंकिंग फंड में यही कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर में एनुअल कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट करते हैं और आफ्टर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट जोड़ के इन्वेस्ट कर देते हैं। और कोई एंट्री नहीं होगा सेकेंड ईयर में, इंटरेस्ट का एंट्री हुआ, एनुअल कंट्रीब्यूशन हुआ और फिर दोनों मिला के इन्वेस्ट कर दिए। अब इसको अगेन एक बार फिर से सीडीबीडी करेंगे 47
जीरो 90, 47 जीरो 90, 31 दिसंबर 06, बाई बैलेंस सीडी 47 जीरो 90, 11 07, टू बैलेंस बीडी 47 090, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया, सिंकिंग फंड को भी बैलेंस कर देंगे, 47 090, मोर और लेस दोनों का बैलेंस सेम ही होता है, 47 090, 31 दिसंबर 06, टू बैलेंस बीडी 11 07, बाई बैलेंस बीडी 47 090। अच्छा, डिवेंचर अकाउंट में कोई एंट्री तो आया नहीं है, फिर भी उसको सीडीबीडी करना ही है, 1 लाख 1 लाख, 31 दिसंबर 06, टू बैलेंस सीडी 1 लाख, 11 07, बाई बैलेंस बीडी 1 लाख। जो काम हम लोग सेकेंड ईयर में किए हैं, सबसिक्वेंट ईयर में वही काम करेंगे, सिर्फ लास्ट ईयर में चेंजेज हो जाएगा। तो जो काम हम लोग सेकेंड ईयर में किए हैं, थर्ड ईयर में सेम वर्क करना है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बाई इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट 47090 है, उसका 6%, 2825। थर्ड ईयर में भी एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा ही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 22859। अब ये दोनों पैसा इंक्लूड करके इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेंगे, 31 दिसंबर 07, टू बैंक अकाउंट 2825 प्लस 22859, दोनों को प्लस कर देंगे, एनुअल कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों मिला के इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, 25684। थर्ड ईयर का काम समाप्त हुआ, अब इसको हम लोग फिर से बैलेंस कर देंगे, 72774, 31 दिसंबर 07, बाई बैलेंस सीडी 72774, 1108, टू बैलेंस बीडी 72774। अच्छा, डिवेंचर में कोई एंट्री नहीं आया है, लेकिन इसका भी 1 ईयर प्रोसीड करना है, 1 लाख रुपया का डिवेंचर था, उसको एज इट इज सीडीबीडी कर देंगे, 1 लाख रुपया, 31 दिसंबर 07, टू बैलेंस सीडी 1108, बाई बैलेंस बीडी 1 लाख। सिंकिंग फंड में देखिए, यहाँ पे एंट्री तो किए थे, इसको भी बैलेंस कर देते हैं, सिंकिंग फंड का टोटल हो जाएगा आपका 72774, 72774, बैलेंस भी 72774, डेट होगा आपका 31 दिसंबर 07, टू बैलेंस सीडी 1108, बाई बैलेंस बीडी 72774।
लास्ट ईयर है ये, लास्ट ईयर में इंटरेस्ट का काम होगा बाई इंटरेस्ट ऑन SFI सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हमारा इन्वेस्टमेंट 72,774 है, उसका 6% इंटरेस्ट। एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा बाई स्टेटमेंट ऑफ PL 22,859। इंटरेस्ट का भी काम होगा, 6% इंटरेस्ट है, 4,366। इंटरेस्ट का काम हुआ 4,366, इंटरेस्ट हुआ, एनुअल कंट्रीब्यूशन हुआ। ये लास्ट ईयर है, इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर में डिबेंचर को रिडीम करना है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं होता है बल्कि इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट 70,000 में बेच दिया, तब इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं 31/12/08 बाई बैंक अकाउंट 70,000 में बेच दिया। यहाँ 72 है तो यहाँ लॉस हो गया बाई सिंकिंग फंड अकाउंट, लॉस ऑन सेल। ये है 72,774, 72,774 लॉस हो गया 2,774। ये लॉस आपका सिंकिंग फंड के नाम से है तो यहाँ से वो सिंकिंग फंड अकाउंट का 2 में ट्रांसफर होके आ जाएगा। ये रहा सिंकिंग फंड अकाउंट, इसमें 31 दिसंबर 08 टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वो लॉस था 2,774। लास्ट ईयर है, हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच दिए, अब इस डिवेंचर को रिडीम कर लेते हैं। डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1,00,000। ये डिवेंचर क्लोज हो गया, ये चला गया आपका डिवेंचर होल्डर में। डिवेंचर होल्डर का अब यूज आएगा, डिवेंचर होल्डर में 31 दिसंबर 08 बाई 6% डिवेंचर, वो अमाउंट 1,00,000 है। इस डिवेंचर होल्डर को संग संग पेमेंट दे देंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 1,00,000 है। डिवेंचर होल्डर में पहले ड्यू का एंट्री किए, संग संग उसको पेड कर दिया। तो लास्ट ईयर में मेरा काम था इन्वेस्टमेंट को बेच देना है और उसका प्रॉफिट या लॉस, यहाँ लॉस हुआ, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर को ड्यू करेंगे, डिवेंचर होल्डर में भेजेंगे और डिवेंचर होल्डर को पेड कर देंगे। सारा सिंकिंग फंड का पर्पस पूरा हुआ। तो ये जो सिंकिंग फंड अकाउंट बना के रखे हैं, इस सिंकिंग फंड को क्लोज कर देंगे और ये चला जाएगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट। टू जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड प्लस करेंगे, डेबिट में जो बैलेंस आ जाए वो सारा जनरल रिजर्व में चला जाएगा। 72,774 प्लस 4,366 22,859, ये आ गया 99,999 माइनस 2,774, 97,225। अब इसको एक बार आप शॉर्टकट समझो, सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट एक बार में चार ईयर समझो, सबसे पहले डिवेंचर इशू हुआ, अब इसका 3 साल तक कोई काम नहीं था, एज इट इज इसको CDBD करते गए, फोर्थ ईयर में ले गए, फिर डिवेंचर को रिडीम करना है तो उसको ड्यू कर दिए, डिवेंचर अकाउंट क्लोज। डिवेंचर ड्यू डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर हुआ, होल्डर को पेमेंट दे दिए, होल्डर भी क्लोज। अपना मेन अकाउंट है सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट एनुअल कंट्रीब्यूशन को मेंटेन करेगा,
प्लस उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट वगैरह प्रॉफिट लॉस वगैरह। तो प्रत्येक साल हमको 22,859 कंट्रीब्यूट करना। आप देखिए फर्स्ट ईयर किए हैं, सेकेंड ईयर में भी है, आप देखो थर्ड ईयर में भी है, यहाँ तक कि लास्ट ईयर में भी है। फर्स्ट ईयर में अकेला एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है और सेकेंड ईयर में उसमें इंटरेस्ट साथ देने लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट लेते गए और इसको CDBD किए। लास्ट ईयर में भी देखिए सेम काम किए हैं, इंटरेस्ट का एनुअल कंट्रीब्यूशन का। इन्वेस्टमेंट को बेचा गया था तो इन्वेस्टमेंट को बेचने में लॉस हुआ तो वो यहाँ ले आए लॉस, इस अकाउंट को क्लोज कर दिए जनरल रिजर्व के नाम से। ओके, ये एक मेन अकाउंट है। इसके अलावा अगर दूसरा कोई मेन अकाउंट है तो अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखो, फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेज किए वो इक्वल टू एनुअल कंट्रीब्यूशन CDBD किए, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट और एनुअल कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के परचेज किए CDBD किए, सेम थर्ड ईयर में इंटरेस्ट और एनुअल कंट्रीब्यूशन मिला के परचेज किए CDBD किए, लास्ट ईयर में परचेज नहीं करके सेल कर दिए और जो लॉस हुआ सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ सिंकिंग फंड। इसमें डिबेंचर इशू से लेके डिबेंचर रिडेम्पशन तक दिखाया गया विद द हेल्प ऑफ सिंकिंग फंड। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।